तो आज हम क्या बोलने वाले हैं? तो सबसे पहले रोग तीन कारण से होता है, ठीक। सबसे पहले ये तुम्हारे छाती से ऊपर जितना रोग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कफ। यस, गुड। और छाती से ये जांग तक ले, ये जांग है ना, यहाँ तक जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? पित्त। और इससे नीचे जितना रोग होता है उसको हम बात बोलते हैं। तो इससे ऊपर क्या क्या होता है? जैसे मैं रूगा, सर्दी लगना, खोखी लगना, नाक से पोटा आना, कान से क्या आना, पानी आना, आँख में काला आ जाना, ये काला सब कफ। और इसे इधर पित्त, पित्त में गैस्ट्रिक और गैस्ट्रिक रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जितना होता है सब इधर होता है। तो उसको हम पित्त से होता है, पित्त लहर जाता है ना तो हो जाता है। और इधर नीचे ये आपको ये दुखेगा तो ये बात, ये हड्डी दुखेगा, ये मांस दुखेगा, तो ये सब क्या हो जाएगा? बात। बात बात के टोटल कितने रोग होता है? 80। और पित्त के होता है 40, और इधर से इधर होता है 28। समझ गए? तो ये तीनों के बैलेंस करना होगा तो तुमको कोई रोग नहीं लगेगा। और इसके बारे में हम बाद में वीडियो लेके आएंगे और तुमको और भी बोलेंगे, और अपने फैमिली को भी सब समझाएंगे, और फैमिली में कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहिए। ओके ओके ओके, बाय। बेस्ट ऑफ लक टू डू।